हमने बचपन से ही दुनिया के कई अजूबे जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में पढ़ा है और उनके बारे में सुन के काफ़ी हैरान भी हुए हैं। लेकिन हमारे इंडिया के एक ऐसे ही अजूबे को शायद हमने ही इतिहास के पन्नों में कहीं भुला दिया। आज हम जिस अजूबे की बात कर रहे हैं वो है महाराष्ट्र में मौजूद कैलाश मंदिर, जो कि औरंगाबाद से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश मंदिर इंजीनियरिंग का एक नायाब अजूबा है जो कि एथेंस के पार्थेनन से दुगने एरिया में फैला हुआ है। कहते हैं कि ये मंदिर 18वीं सदी में बनाया गया था। लेकिन इस मंदिर की चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये मंदिर एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे तक तराश के बनाया गया था। यहाँ का जो मेन शिव मंदिर है वो नींव से 25 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है, जो कि देखने में ऐसा लगता है मानो हाथियों के झुंड के सहारे बनाया गया हो, और ऐसा लगता है जैसे हाथियों ने मंदिर को उठा रखा हो। कैलाश मंदिर ने अपनी जटिलता से दुनिया के कई आर्किटेक्ट्स और हिस्टोरियंस को आश्चर्यचकित कर दिया है। कैलाश मंदिर भगवान शिव के घर को दर्शाता है और इसको कैलाशनाथ मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर तिब्बत के कैलाश पर्वत को ध्यान में रखकर उसके जैसा बनाया गया था। इस मंदिर की दीवारों में कई नक्काशियां हैं जो रामायण महाभारत की कहानियों को बयां करती हैं। यहाँ की नक्काशियों में से एक नक्काशी काफ़ी आकर्षक है, जो कि रावण के कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने वाली नक्काशी है। ये मंदिर करीब 164 फीट गहरा, 109 फीट चौड़ा और 98 यानी कि 98 फीट ऊंचा है, और इसको बनाने के लिए तकरीबन 4 लाख टन चट्टान की खुदाई की गई थी। एक ही चट्टान से बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। ये मंदिर आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में सबसे चौंकाने वाले निर्माण में से एक है। मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने हजारों हिंदू मंदिरों को नष्ट किए थे, उसने भी कैलाश मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। 1682 में उसने ये मंदिर तोड़ने का आदेश दिया ताकि इसका नामो निशान भी ना रह सके। करीब 1000 लोग 3 साल तक औरंगजेब के कहने पर इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिर भी वो मंदिर का ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ कुछ मूर्तियाँ ही तोड़ पाए। औरंगजेब की इस कोशिश के बाद उसको एहसास हो गया कि इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ पाना मुमकिन नहीं है। ऐसा अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 4 लाख टन चट्टान खोदी गई थी, और वो भी सिर्फ 20 सालों में, यानी कि तकरीबन 55 टन चट्टान एक दिन में खोदी गई थी। अब अगर अंधेरे की वजह से दिन के 12 घंटे के वर्किंग आवर्स माने तो हर घंटे करीब 4.5 टन चट्टान खोदी गई। अब जिसमें बारिश का दिन, त्यौहार या फिर इस मंदिर में की गई बारीक नक्काशियों या मूर्तियों को बनाने का वक्त तो जोड़ा भी नहीं। 4.5 टन चट्टान हर घंटे किसी पहाड़ से तोड़ना आज के वक्त में मॉडर्न मशीन्स के लिए भी बहुत मुश्किल काम है, पर यहाँ तो हम 1300 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब आज की तरह कोई मॉडर्न टूल्स भी नहीं होते थे। आज के सिविल इंजीनियर्स भी ये कहते हैं कि ऐसा सेम मंदिर आज के ज़माने में 18 साल में बनाना मुमकिन नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि उस ज़माने में ये मंदिर कैसे बनाया होगा? जैसा कि इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में कहते हैं, क्या कोई बाहर के लोग जिनको हम एलियंस कहते हैं उन्होंने हेल्प की, या फिर खुद भगवान की मदद से इसे बनाया गया, या फिर उस ज़माने में हमारा इंडिया अभी के मुकाबले बहुत एडवांस था। कैलाश मंदिर की एक खास बात है कि श्रद्धालु यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, जैसे कि उनके शरीर को वहाँ की भूमि से कोई शक्ति मिल रही हो। और तो और मंदिर में जो मध्यम आवाज़ गूंजती है वो मानो ऐसी लगती है जैसे वो आवाज़ मंदिर की मूर्तियाँ वहाँ की दीवारों से कुछ बोल रही हों। ये बातें साफ दर्शाती है कि मंदिर के अंदर का डिज़ाइन कितनी बारीकी से बनाया गया होगा। हालांकि हमारे यहाँ मंदिरों के रूप में इन विशाल कलाकृतियों की ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई, लेकिन एक बात तो साफ है कि हमारी ये संरचनाएँ इजिप्ट के पिरामिड या दुनिया के किसी भी अजूबे से कम नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।